आइए, पहले एक छोटा सा केस है वो बोल दूं क्या, पढ़ा दूंगा, शायद आपके काम आ जाए। इस पे एक छोटा सा पहले लिख लो, फिर एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं उसका, अब्दुल्ला वर्सेस, जिससे इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और हमारा थोड़ा लीगल बैकग्राउंड भी अच्छा होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए पार्ट 5 को खत्म करते हैं अपन। महिलाओं का वर्चस्व बचाने के लिए समाज के सभी आयामों को तोड़ना पड़ेगा। इस एक लाइन में सब कुछ कह दिया हमने। हमने कह रहे सभी आयामों को तोड़ना पड़ेगा। द वीमेन विल हैव टू, महिलाओं का अपना वर्चस्व बचाने के लिए, आप उसमें हैं। द वीमेन विल हैव टू, द वीमेन विल हैव टू ब्रीक, ब्रीक यानी आपका तोड़ना, ब्रीक ऑल द मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड करना है हमें, ऑल द मैग्नीट्यूड्स, ऑल द मैग्नीट्यूड्स, सारे आयामों को तोड़ना पड़ेगा। काय के लिए, अपना अस्तित्व, अपना वर्चस्व बचाने के लिए, टू प्रिवेंट दियर एंटिटी, वर्चस्व बोल सकते हैं, वजूद बोल सकते हैं, जो भी आपको समय अच्छा याद आ जाए। टू प्रिवेंट दियर एंटिटी, एंटिटी का मतलब वजूद, एंटिटी का मतलब अस्तित्व, एंटिटी का मतलब वर्चस्व। हिंदी में आप कुछ भी बोले सब चलेगा, हम इंग्लिश में कहाँ पर आ रहे हैं वो हमारी अच्छी कहानी। सरकार महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून लागू कर रही है, आप पैसिव में हैं। द गवर्नमेंट आप पैसिव में कर रही है, द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग, एक्टिव वॉइस में, सॉरी पैसिव में लेंगे तो अलग मैटर है, इम्पोजिंग क्या लागू कर रही है, कठोर कानून, डाउन लॉस लागू कर रही है, कठोर कानून लागू कर रही है। काय के लिए, फॉर वीमेन सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट भी कर सकते हो, फॉर वीमेन्स सिक्योरिटी एंड अपलिफ्टमेंट, एक वर्ड और जोड़ देना अच्छा लगेगा, सुरक्षा और उत्थान, सिक्योरिटी एंड अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट, सुरक्षा और उत्थान, अपलिफ्टमेंट के लिए डाउनलोड लागू कर रही है, दुनिया भर के डाउनलोड आ गए। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। पैसिव में चलना है अपन को, क्योंकि कौन बनाएगी हमने शो नहीं किया। द वीमेन विल हैव टू बी, द वीमेन विल हैव टू बी, पैसिव में चलेंगे अपन। द वीमेन विल हैव टू बी फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड मजबूत करना, फोर्टिफाइड, द वीमेन विल हैव टू बी फोर्टिफाइड, कैसे कैसे वो हम शो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, सोशली सामाजिक रूप से, सोशली सामाजिक रूप से, सोशली मजबूत करना पड़ेगा आपको, इकोनॉमिकली मजबूत करना पड़ेगा। वो ब्लॉग है ना, ग्रुप में डाल दिया ना, आपको नहीं डाला, अच्छा वो दूसरे आरजेएस ग्रुप में है, आरजेएस ग्रुप भी तो बहुत है। हाँ अभी आपको, अच्छा आपको सेंड नहीं किया गया, सरोगेसी तो जो नया टॉपिक आ रहा है उसका बेस बना रहा हूँ मैं पहले से ही। तो सरोगेसी बहुत प्यारा टॉपिक आने की मुझे 99% संभावना लग रही है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, लीगल भी, सोशली भी और वैसे भी। नहीं ये आखिरी पार्ट चल रहा है, आ गया होगा आपके पास, ये इसका आखिरी पार्ट। द वीमेन विल हैव टू बी 45 सोशली, इकोनॉमिकली एंड इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से सबसे पहले इसे दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली उसे बुद्धिमान करना पड़ेगा, उसे आप सोशली करना पड़ेगा, उसे इंटेलेक्चुअली रूप से फोर्टिफाइड करना पड़ेगा। द वीमेन विल हैव टू बी फोर्टिफाइड सोशली, इकोनॉमिकली एंड इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से आपको उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और एक महिला समाज का एक ध्रुव तारा है जो पूरे समाज के अंधकार को दूर कर सकती है। काफी बार इसको यूज कर रहे हैं, बार बार इसको यूज करें, ए वुमेन इज पोल स्टार ऑफ सोसाइटी, ए वुमेन आप उसे कंपेरिजन दे रहे हैं, इज पोल स्टार, ध्रुव तारा है, ए वुमेन इज पोल स्टार ऑफ सोसाइटी, जो क्या कर सकती है, हु से कनेक्शन जुड़ेगा, हु कैन डिस्पेल
दूर करने के लिए डिस्पेल वर्ड आता है, अच्छा वर्ड है, काफी बार इसका रोटेशन हो चुका है। हु कैन डिस्पेल, जो दूर कर सकती है, क्या दूर कर सकती है, डार्कनेस ऑफ द एंटायर सोसाइटी, यूज कर सकते हैं आप कहीं पर भी, जरूरी नहीं है यो, डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ द एंटायर सोसाइटी, किसी भी कानून के लिए, किसी भी अच्छे स्टेप के लिए आप इस लाइन को पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं, किसी भी लाइन के लिए, कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर नए कानून आए हैं उनके बारे में, कोई पॉलिसी है, कोई भी स्टेप है, एब्रोगेशन ऑफ 370 है, कहीं पर भी यूज करें जहां पर हमारी इच्छा होगी। डार्कनेस ऑफ द एंटायर सोसाइटी, द वुमेन विल हैव टू ब्रेक ऑल द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सारे उसे आयाम तोड़ने पड़ेंगे, टू प्रिवेंट द एंटिटी, अपनी अपनी अस्तित्व बचाने के लिए, द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग डाउन लॉज फॉर वुमेन सिक्योरिटी डेवलपमेंट, अपनी सुरक्षा और उत्थान के लिए सरकार कठोर कानून लागू कर रही है, द वुमेन विल हैव टू फोर्टिफाइड, उसे सशक्त करना पड़ेगा सोशली, इकोनॉमिकली, इंटेलेक्चुअली, ए वुमेन इज पोल स्टार ऑफ सोसाइटी हु कैन डिस्पेल डार्कनेस ऑफ द एंटायर सोसाइटी। सेकेंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाएं एक महिला का गौरव बढ़ाएगी। द प्लान्स, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक अच्छा प्लान है गवर्नमेंट का, अच्छा क्रूसेड है गवर्नमेंट का। ये क्या करेगी, दो प्लानिंग ले रहे हैं गवर्नमेंट की, जो हमारे डेटास को और अच्छा करेगी। द प्लान्स विल ग्लोरीफाई ए वुमेन, द प्लान्स जो योजनाएं हैं, द प्लान्स लाइक पहले लगा देंगे, कौन कौन सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी ऐसे आ सकता है, कैसे भी घुमा सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिंदी में लिखेंगे क्योंकि इसका ऐसे लिखता है ये, पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हिंदी का स्लोगन है। और दूसरा है हमारा महिला हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, ये दो हमारे समझ लीजिए एक तरीके के प्रोजेक्ट हैं, महिला हेल्पलाइन या वुमेन हेल्पलाइन, कुछ इसको तो अंग्रेजी में कर सकते हैं अपन, वुमेन हेल्पलाइन क्या करेगा, महिलाओं का गौरव बढ़ाएगा, यानी इससे इनका सशक्तिकरण हो रहा है। विल ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का मतलब है गौरव बढ़ाना, इज्जत बढ़ाना, विल ग्लोरीफाई, ये इसका इज्जत बढ़ाएगा, ग्लोरीफाई करेगा ए वुमेन, एक औरत की ग्लोरीफाई करेगा, एक औरत को उसका इज्जत बढ़ाएगा, उसको गौरव बढ़ाएगा, उसका स्टेटस बढ़ाएगा। बेटी पढ़ेगी, बेटी पढ़ गई यानी औरत पढ़ गई तो नेचुरल सशक्तिकरण अपने आप ही हो गया। सो बीमारी का एक इलाज है महिला की शिक्षा, और किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर आता है आपका महिलाओं का जज्बा बढ़ाने के लिए महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2000 लागू किया गया था, ये भी खुद ऐसे बनकर आएगा, आ सकता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे, इसका भी कैसे तैयार है। द हरेसमेंट ऑफ वुमेन, पूरा नाम तो इसका वो है, द हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, द हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, इस पर भी ऐसे आ सकता है, वर्क प्लेस 2013, ये खुद ऐसे का टाइटल है, इसमें भी यही मैटर आएगा। द हरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट 2000, द हरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट एट वर्क प्लेस 2013 हैज बीन इम्पोज्ड, हैज बीन इम्पोज्ड, इसे लागू किया गया हैज बीन इम्पोज्ड, इसे लागू कर दिया गया है। क्यों, टू इंक्रीज पैशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का जज्बा बढ़ाने के लिए, कि अब आप कहीं पर भी बेखौफ, आप बिना डर के काम कर सकते हैं। टू इंक्रीज पैशन, पैशन यानी जज्बा, जरूर, पैशन ऑफ वुमेन, एक अच्छा लैंडमार्क स्टेप गवर्नमेंट का, प्रशासन का। फिर
जो एक महिलाओं को बिना दहशत के लिए काम करने के लिए खुशनुमा और डरित माहौल बनाता है। जोड़ दीजिए विच से, विच क्रिएट्स एक ऐसा माहौल बनाएगा डरने की, मेरा बॉस मुझे ओगल लुक से देखेगा। विच क्रिएट्स क्या क्रिएट्स करता है, विच क्रिएट्स क्या क्रिएट्स करता है, खुशनुमा माहौल, प्लीजेंट एंड डर रहित, प्लीजेंट एंड फियरलेस सिनेरियो, प्लीजेंट एंड फियरलेस सिनेरियो। कोई डर नहीं है कि साहब मेरा बॉस मुझे ओगल लुक देखेगा या स्टेयर करेगा या छेड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फियरलेस सिनेरियो टू वर्क, सिनेरियो टू वर्क, वो उसे वर्क करने के लिए विदाउट पैनिक, बिना दहशत के, कोई डर नहीं है, क्योंकि एक नया एक्ट आ गया, इस एक्ट का नाम भी आपको विदाउट पैनिक, बिना किसी डर के। हरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस 2030 एक्ट जो बनाया गया, हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 आपका हैज बीन इम्पोज टू इंक्रीज पैशन ऑफ वीमेन विच क्रिएट प्लीजेंट एंड फियरलेस सिनेरियो टू वर्क विदाउट पैनिक। इस प्रकार महिला शक्ति केंद्र और सुकन्या समृद्धि योजना महिलाओं के सामाजिक ढांचे को मजबूत करती है। महिला शक्ति केंद्र और सुकन्या समृद्धि योजना, ये दिवे लिखेंगे हम, महिला शक्ति केंद्र लिखना पड़ेगा क्योंकि डेटास है, महिला शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र एंड सुकन्या योजना, योजना क्या करेगा, ये आपका फोर्टिफाई, मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत का तो वर्ड आपको लिखना ही लिखना है हर जगह, फोर्टिफाई मजबूत करता है, इसको मजबूत करता है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचे को, सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक ढांचे को, सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक ढांचे को। ये दो योजनाएं, पहले का नाम महिला शक्ति केंद्र, पहले का नाम महिला शक्ति केंद्र और दूसरे का नाम है सुकन्या योजना, ये दो मजबूत करती है सामाजिक ढांचे को। आज महिलाएं संसद और विधानसभा में पूरे समाज और सामाजिक ताने बाने को होशियारी और बुद्धिमता के साथ प्रतिनिधित्व करती है। एक लाइन में सब कुछ घुमा दिया, इसमें काफी लाइनें इंक्लूड हो गई, द वीमेन रिप्रेजेंट, इसमें अपन सारा रिजर्वेशन रिजर्वेशन सब ले आए, द वीमेन रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करती है, द विमेन रिप्रेजेंट ये प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये प्रतिनिधित्व करती है आपका द एंटायर सोसाइटी, पूरे समाज का, द एंटायर सोसाइटी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती है। एंड सोशल वेब सामाजिक ताने बाने का, इसको जरूर लिख देना, नया वर्ड है, एंड सोशल वेब मतलब वो ये सिर्फ बोलने का अंदाज बदला है, सोशल वेब का मतलब सामाजिक ताने बाने का प्रतिनिधित्व करती है, कैसे, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण, बहुत होशियारी से, एडवर्ब जोड़ दिया, प्रूडेंटली, नहीं जोड़ोगे तो भी काम चल जाएगा लेकिन ऐसे बढ़ जाएगा, प्रूडेंटली एंड बुद्धिमत्ता रूप से, इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से वो उसका प्रतिनिधित्व करती है, कहाँ कहाँ पर, इन पार्लियामेंट एज वेल एज असेंबली, इन पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट एंड असेंबली, असेंबली और इसमें प्रतिनिधित्व करती है। द प्लान्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड वुमेन हेल्पलाइन विल ग्लोरीफाई ए वुमेन, The harassment of women at workplace 2013 has been imposed to increase passion of women, which creates pleasant and fearless scenario to work without panic. Mahila Shakti Kendra Sukanya Yojana 45 social structure. The women represent the entire society and social web prudently and intellectually in parliament and assembly. और इसका लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सेकेंड लास्ट पैराग्राफ,
लास्ट पैराग्राफ, हमारे देश की महिलाएं उच्च पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, ये मेंशन करना ज़रूरी है। आज के सिनेरियो में उच्च पदों पर हैं, काफ़ी अच्छे पदों पर है, राष्ट्रपति हमारी महिला हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जा ही रही हैं। अब द वुमेन ऑफ आवर कंट्री आर द वुमेन ऑफ आवर कंट्री आर परफॉर्मिंग, निभा रही है, परफॉर्मिंग निभा रही है, क्या निभा रही है, दी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को, उच्च पदों पर अपनी जिम्मेदारी को, दियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कहां पर, उच्च पदों पर, एट डीजी हाइट, गवर्नमेंट सेक्टर में जो उच्च पद होता है वो डीजी हाइट कहलाता है, कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जहां पर महिला ना हो, एट डीजी हाइट, एक पॉजिटिव सिनेरियो, और डीजी हाइट, इसलिए इस प्रकार महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, 100 रोगों की एक दवा, सिंपल सी बात है, सो हायर एजुकेशन शुड बी, बस ये एक सिंपल दवा है, सो हायर एजुकेशन शुड बी, उच्च शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, सो हायर एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टू द वुमेन, टू द गर्ल्स, शुड बी इम्पार्टेड, इम्पार्ट यानी पढ़ाना, टॉट नहीं आएगा, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी इम्पार्टेड टू द वुमेन, ये 100 रोगों की एक दवा है, यदि ये काम कर गई तो किसी कानून की, किसी सोशल अवेयरनेस की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, शुड बी इम्पार्टेड टू द वुमेन, और वे सही और गलत के मध्य विभेद कर सकती हैं, बिल्कुल सही बात है, दे कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, दे कैन डिस्क्रिमिनेट, दे कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सही और गलत के मध्य, प्रोज एंड कॉन्स, राइट एंड रॉन्ग, कुछ भी कर लीजिए आप, प्रोज एंड कॉन्स, राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, प्रोज एंड कॉन्स, जो राइट और रॉन्ग दोनों सही है वो सही और गलत के मध्य विभेद कर सकती है, पढ़ लिख गई ना आप, क्या दिक्कत है, कर सकती है वो, तो सही गलत के मध्य विभेद कर सकती है, राइट एंड रॉन्ग भी ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स भी ठीक है, और नारी सशक्तिकरण आधारशिला है, उच्च शिक्षा नारी सशक्तिकरण की आधारशिला है, ये हम बार बार कह रहे हैं, और सॉरी ये उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन इज कॉर्नर स्टोन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, हायर एजुकेशन इज कॉर्नर स्टोन ऑफ हायर एजुकेशन इज कॉर्नर स्टोन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, 100 बातों की एक बात, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्ति का आधार है वो है आपकी हायर एजुकेशन, और हमारा देश इंदिरा गांधी जैसी बहादुर और बुद्धिमान महिलाओं से भरा हुआ है, एक अच्छा पॉइंट, आवर कंट्री राइव विथ वीमेन लाइक इंदिरा गांधी, भरा हुआ है, आवर कंट्री हैज राइव विथ, हमारा देश भरा हुआ है, आवर कंट्री हैज राइव विथ, आवर कंट्री हैज राइव विथ वीमेन, टाइटन वीमेन, टाइटन का इंपोर्टेंट कर लेना, जो बुद्धिजीवी और बहादुर हो, टाइटन वीमेन लाइक इंदिरा गांधी, लाइक इंदिरा गांधी, हमारा देश इंदिरा गांधी जैसी बहादुर और वीरांगनाओं से भरा हुआ है, इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है, और हमारा समाज को उनकी छिपी हुई प्रतिभा को तराशना और संवारना पड़ेगा, और सोसाइटी विल हैव टू, बस ये काम करना पड़ेगा, और सोसाइटी विल हैव टू, और सोसाइटी विल हैव टू तराशना चीजल, चीजल संवारना बीडाइट, बीडाइट
संवारना, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, तराशना संवारना, तराशना चीजल बी लाइट, आपका दिखाना संवारना, मतलब एक है कहीं पर भी लगा दो, जहां भी लगाने की इच्छा हो, जरूरी नहीं यहीं पर रहेगा, तराशना या संवारना। डियर लेटेंट टैलेंट, छिपी हुई प्रतिभा, पढ़ने की है तो पढ़ाएंगे, आर्ट्स की है तो उसमें करेंगे, खेल की है तो डियर लेटेंट टैलेंट, जैसे दंगल फिल्म में आमिर खान करता है, उसको कुश्ती के लिए तैयार करता है, लेटेंट टैलेंट। लेटेंट टैलेंट का मतलब है छिपी हुई प्रतिभा। तो देखिए आप, आवर सोसाइटी विल हैव टू चीजल एंड बी डाइट डियर लेटेंट टैलेंट, हमारी सोसाइटी को उनकी छिपी हुई प्रतिभा को तराशना पड़ेगा और संवारना पड़ेगा। विल हैव टू चीजल और बिटाइट दियर लेटेंट टैलेंट। और आखिर में नारी सशक्तिकरण हमारी प्रगति का दर्पण है, सही बात है, वुमेन एम्पावरमेंट इज मिरर ऑफ। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन ला रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट इज मिरर ऑफ, इज मिरर ऑफ, ये मिरर है, ये दर्पण है, मिरर ऑफ आवर प्रोग्रेस, इसके बिना आवर प्रोग्रेस, ये हमारी प्रगति का दर्पण है, और हमारा देश इस दिशा में सराहनीय और प्रशंसनीय कदम उठा रहा है, बहुत सारे लोग आगे देखते देखते बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आवर कंट्री is taking कौन कौन से स्टेप प्रशंसनीय और सराहनीय है, ये भी कॉमन वर्ड है, कहीं पर भी लगा देना, praiseworthy and courtworthy step, courtworthy step, courtworthy step, सराहनीय और प्रशंसनीय कदम उठा रहा है, प्रेजवर्थी प्रशंसनीय है, कोटवर्थी सराहनीय है, इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में, इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में, द वुमेन ऑफ आवर कंट्री आर परफॉर्मिंग दियर रेस्पॉन्सिबिलिटी एट इजी हाइट, सो हायर एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टू द वुमेन, दे कैन डिस्क्रिमिनेट, वो अंतर कर सकती है बिटवीन प्रोज एंड कॉन, सही गलत में, हायर एजुकेशन इज कॉर्नर स्टोन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, आवर कंट्री हैज राइट विद, भरा हुआ है, राइट विद भूल जाओ तो फिल्ड विद से काम चला लेना, फिल्ड विद टाइटन, वुमेन यानी बहादुर और वीरांगना महिला टाइटन कहलाती है, लाइक इंदिरा गांधी, आवर सोसाइटी विल हैव टू चीजल, चीजल तराशना, बी डाइट संवारना, दोनों अच्छे वर्ड हैं, बहुत अच्छे, कहीं भी यूज करेंगे इनको जहां भी इच्छा होगी, दिस लेटेंट टैलेंट, दियर लेटेंट टैलेंट, उनकी छिपी प्रतिभा जो भी है, खेल के प्रति, करियर के प्रति, डांस के प्रति, सिंगिंग के प्रति, वुमेन एम्पावरमेंट इज मिरर ऑफ आवर प्रोग्रेस, वो हमारी प्रगति का दर्पण है, और आवर कंट्री इज टेकिंग प्रेज वर्थी, वर्थी कर देना, एंड कोर्ट वर्थी स्टेप इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में प्रशंसनीय है और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, करें ऐसे को बाय बाय, चले अगले ऐसे की तरफ, रहने दें।